नमस्कार दोस्तों, सुमी इज़ यमी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्रीमी और टेस्टी वैनिला आइसक्रीम की रेसिपी। ये बहुत आसान है बनाने में, कुछ ही इंग्रेडिएंट में हम घर में बहुत आसानी से और बहुत कम प्राइस में हम इसे तैयार कर सकते हैं। बाज़ार में ये बहुत महंगी मिलती है, तो इसके लिए हमने आधा कप दूध लिया है एक पैन में और लो फ्लेम पर गैस को ऑन करना है। अब इसमें एक कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, कोई सा भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हमें घुलाना है। किसी भी आइसक्रीम के लिए दो ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स होती है, कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम। तो कंडेंस्ड मिल्क हम घर में तैयार कर लेंगे तो बहुत कम कॉस्ट पड़ेगा आइसक्रीम का, क्योंकि बाज़ार में ये बहुत महंगी मिलती है। तो जब पाउडर मिल्क और मिल्क अच्छी तरह घुल जाए आपस में, तब हम उसमें एक टेबल स्पून शुगर और दो पिंच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इस समय थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर दें और लगातार चलाते रहें 5 मिनट तक। और जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को फिर से लो कर दें। तो फ्लेम का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है ताकि हमारा जो कंडेंस्ड मिल्क है वो तली में चिपके नहीं और ये एक स्मूथ सा कंडेंस्ड मिल्क बनकर तैयार हो जाए। तो अब ये रेडी हो चुका है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम चिल्ड मिल्क ऐड करेंगे, इससे ऊपर मलाई की लेयर नहीं पड़ेगी ठंडी होने के टाइम में। तो थोड़ी देर तक चलाते रहें, इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे आइसक्रीम में मिक्स करेंगे। अब हम क्रीम व्हिप करेंगे, तो इसके लिए हमने एक बाउल को फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख दिया था। इसमें एक कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे, ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ये बहुत आसानी से व्हिप हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक बीटर से इसे 5 से 6 मिनट के लिए आप व्हिप करें। ये डबल हो जाएगा क्रीम फटने के बाद और इसमें पीक्स भी बनने लगेंगे। अब हम इसमें जो कंडेंस्ड मिल्क है वो ऐड करेंगे। ये ठंडा हो चुका है पूरी तरह। और साथ ही हम इसमें आधी चम्मच वेनिला एसेंस की डालेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इतनी ही चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाती है टेस्टी आइसक्रीम। फिर से इसे एक बार व्हिप कर लें ताकि कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम अच्छी तरह घुल मिल जाए आपस में। अब ये हमारा बेस तैयार है आइसक्रीम जमाने के लिए। तो इसे किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर हम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, तो आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह जम जाएगा। वेनिला आइसक्रीम का यूज़ आप मिल्क शेक बनाने में या कोई भी मैंगो डेजर्ट बनाने में कर सकते हैं। तो 7 से 8 घंटे के बाद ये जमकर रेडी हो गया है अच्छी तरह। तो इस समय काफ़ी हार्ड रहता है, तुरंत फ्रीज़र से निकालने के बाद आप अगर निकालेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्कूप नहीं होगा। तो मैंने 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, तब आसानी से निकल जाता है। अब ये थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है, अब हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निश करके तब सर्व करें। मैंने थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल से सर्व गार्निश किया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप ऐसे प्लेन भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इस आइसक्रीम का टेस्ट मार्केट वाली आइसक्रीम से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, तब आपको फ़र्क पता चलेगा।
तो ये बहुत ही डिलीशियस क्रीमी आइसक्रीम तैयार है। आप इसे एंजॉय करें और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वनीला आइसक्रीम का यूज़ करके मैं आगे एक और रेसिपी बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करें। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।